में और ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। मोइन, इस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम मोहम्मद जावेद बताया जा रहा है, आपको क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस को कैसे लगता है, एजेंसियों को कैसे लगता है कि यही साजिश रचने वाला व्यक्ति है? देखिए, जो मोहम्मद जावेद है, जिसको जावेद पंप के नाम से प्रयागराज के लोग जानते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट है और पहले भी जब सीए और एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो पुलिस और प्रशासन का मानना है कि पर्दे के पीछे से यही कुछ लोग थे जो उस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे थे। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रशासन एक तरफ तो मानता है कि इनका जो रिकॉर्ड है वो ताकि रिकॉर्ड है, ये साफ सुथरी छवि के लोग नहीं है, लेकिन इन्हीं के साथ बैठकें करता रहता है। और इस पूरे मामले में भी जब जुमे की नमाज को लेकर के बैठक की गई थी तो उसमें भी इन्हीं लोगों के साथ बैठक की गई थी, यानी जिनका कैरेक्टर दागी है, यानी चोर को चाबी सौंपने की काम प्रशासन ने किया था, चोर को चौकीदार बनाने का काम प्रशासन ने किया था। और कल साफ तौर पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि उन्हीं लोगों ने वादा खिलाफी की जिन्होंने वादा किया था कि अमन चयन कतई खराब नहीं होगा, कानून व्यवस्था बनी रहेगी। तो हमने जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों पर जिम्मेदारी सौंपी, वही उन्हीं लोगों ने वादा खिलाफी की है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रशासन का अपना फेलियर है, वो उन लोगों को ढूंढ करके नहीं ला सका जो समाज में अमन पसंद लोग हैं, उन लोगों पर ही वो भरोसा करता रहा, उन लोगों पर जिम्मेदारी सौंपता रहा जिनका पिछला रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं था, जो सीए और एनआरसी के आंदोलन में लगातार लोगों को उकसाते रहे, तमाम दूसरे आंदोलनों में भी उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती रही। और ऐसी इसी बात का खामियाजा जो है वो पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ा और जो इतनी बड़ी हिंसा हुई जो है वो, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन जानकारियों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।